हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले की। कोहली को अवार्ड मिलने पर गंभीर हुए नाराज, बोले ये था असली दावेदार जनाब। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। विराट कोहली ने 94 गेंदों पर नाबाद 122 रन की पारी खेली। इस शानदार पारी के चलते विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और कोहली के प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर गौतम गंभीर का रिएक्शन सामने आया है। गौतम गंभीर का मानना है कि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। गंभीर ने कुलदीप यादव को इस अवार्ड का असली दावेदार बताया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनसे बड़ा दावेदार कोई और नहीं था। गंभीर कहते हैं, मुझे पता है कि विराट ने शतक बनाया है और केएल राहुल ने भी सेंचुरी बनाई है। रोहित और सुमन गिल ने भी 50 का स्कोर किया है। गंभीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन ऐसे विकेट पर जहां गेंद स्विंग कर रही थी, अगर किसी को 5 विकेट मिलते हैं, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जिसके बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो ये एक गेम चेंजिंग होता है। गंभीर ने अंत में कहा कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप ने ऐसा किया होता तो आप दलील देते कि वो स्पिन को नहीं खेल पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप ने जो किया है उससे उनकी योग्यता का पता चलता है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का मानना है कि मैच खत्म होने के बाद प्लेयर ऑफ द अवार्ड विराट कोहली को नहीं बल्कि कुलदीप यादव को मिलना चाहिए था। तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।